हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। और हम करने वाले हैं इसके MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मेरे को ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि MCQ करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारे एग्ज़ाम के अंदर MCQ की भरमार आती है। और देखो, MCQ में स्कोर करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो भी चैप्टर आपके आ रहे हैं ना, पर्टिकुलर चैप्टर के 50-60 MCQ कर लो, और हो सके तो थोड़े ज़्यादा कर लो, ठीक है। और एक बस एक छोटी सी और कंडीशन है कि वो MCQ जो होने चाहिए ना, वो हर टाइप के होने चाहिए। मतलब नॉर्मल MCQ तो मतलब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके चार ऑप्शन लिखे हुए, तो होने ही होने चाहिए। और साथ ही में आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी होने चाहिए, आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए, और जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी होने चाहिए, ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे, ठीक है, कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए और ऐसा ना लगे आपको, यार ये नहीं करा हुआ था। तो इसलिए मैंने बुक की एक एक लाइन से MCQ बनाया और हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको ये देखो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे, और ये पैराग्राफ भी है नीचे, ठीक है। मैं दिखा, ये देखो ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं, केस स्टडी वाले, और सारे के सारे क्वेश्चन बुक की एक एक लाइन, एक एक बॉक्स, एक एक चीज़ से मैंने MCQ बनाया, जिससे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना रहे। और इसको देखने के बाद हो ही नहीं सकता कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, ओके। तो चलो जी वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एक दूसरा चैनल है मेन पॉइंट टेक करके, वहाँ पर बेसिकली मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, ओके, कि एक बच्चा कैसे अर्न कर सकता है, 9th-10th का बच्चा या 11th का बच्चा कैसे अर्न कर सकता है। देखो ये मत सोचो कि आपकी एज छोटी, आप अभी 11th में अर्न नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे हैं जो 11th में रहते रहते बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कभी हो सका तो उनका इंटरव्यू भी लेने की कोशिश करेंगे, बट ये मेन पॉइंट टेक है। जैसे मैं बता देता हूँ, कुछ वीडियो मैंने इस पे बना रखी है, हाउ आई अर्न 9000 रुपीज़ इन 1 आवर फ्रॉम जोमेटो IPO। मैंने जोमेटो के IPO से 9000 रुपये कैसे कमाए एक घंटे के अंदर अंदर। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सर जोमेटो पे आप डिलीवरी करते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे, आप सप्लाई वगैरह, मेरा जोमेटो से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैंने एक घंटे के अंदर 9000 रुपये अर्न किए। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं हर घंटे अर्न करता हूँ, बट मैंने एक बार 9000 रुपये अर्न किए, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। कैसे किए वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो जाकर देख लेना, लिंक है ना चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ में मैंने ये भी बता रखा है कि आप फ़ोन से एनिमेशन कैसे बना सकते हो, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोलते हैं कि सर हम YouTube पे वीडियो तो डालना चाहते हैं, बट अपना फेस शो नहीं करना चाहते, तो एनिमेशन वीडियो सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि बच्चों की वॉइस भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आप 11th-12th या 9th वाले बच्चों की वॉइस थोड़ी सी अच्छी होती है, लोग सुनना चाहते हैं, बट क्योंकि फेस में उनको थोड़ा सा घबराहट होती है, तो एक एनिमेशन वीडियो सबसे बढ़िया तरीका है, ओके। और मैं बता दूं, यहाँ पर जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ ना, और फ़ोन से एनिमेशन वीडियो बता दूं मैं आपको, क्योंकि लैपटॉप से तो आसान होता है एनिमेशन वीडियो बनाना, बट फ़ोन से बहुत दिक्कत देता है। जैसी आपको एनिमेशन दिख रही है ना व्हाइट बोर्ड वैसी, और यहाँ पर कोई भी वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कि 25-30 मिनट से कम की हो, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको टेक्नोलॉजी का टी नहीं पता और कंप्यूटर का सी नहीं पता, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सारा का सारा बताता हूँ। नहीं तो मैं भी चाहता तो 1-2 मिनट की वीडियो बना देता कि जी ये रहा प्लेटफॉर्म, जाके अर्न कर लो, नहीं मैं ऐसा नहीं करता, हर चीज़ को एक्सपेंड करके बताता हूँ, ठीक है। और साथ ही में मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग जो कि YouTube से नहीं थी, बहुत सारे बच्चों को लगता है मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग YouTube से थी, बट वो YouTube से नहीं थी, जिससे भी थी उसका पता चल जाएगा आपको, वीडियो जाकर देख लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है कि हाउ टू क्रिएट अ फ्री वेबसाइट, अब फ्री में वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, आपको टीचर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है, आपको अगर अपना रेस्टोरेंट वगैरह खोलना है, अपना होटल वगैरह कुछ भी करना है ना, आपको एक चीज़ तो आनी चाहिए, दैट इज़ फ्री वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, आपको वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है। अगर ये आता है ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ आपको पता है डिजिटल जा रहा है, और आपको भी उसका पार्ट बनना ज़रूरी है ही है, मतलब आपको बनना ही पड़ेगा। तो कल सीखोगे आज सीख लो, क्योंकि 12th के बाद तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं, और मैं बता दूं यहाँ पर मैंने किसी भी कोडिंग का यूज़ नहीं किया, ओके। और साथ में और भी चीज़ें जैसे कि बिटकॉइन वगैरह, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, और मैं सोच रहा हूँ मैं एक वीडियो और बनाऊँ कि आप नोट्स से कैसे अपने अर्न कर सकते हो, हर बच्चा नोट्स बनाता है ना, तो उससे कैसे अर्न कर सकते हो। और साथ में हमारे और भी चैनल है मेन यूनिक वर्ल्ड करके, ठीक है, और मेन पॉइंट गेमिंग, आ जाना कभी खेलने का मन करे तो, 2-3 वीडियो डाल रखिए बच्चों के साथ खेलते हुए, अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक है। और साथ में मेन पॉइंट स्टडी, और ये रहा हमारा एक व्लॉगिंग का चैनल और होगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो जी बात बहुत हो गई, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। द नेम मेसोपोटामिया इज डाइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीसो मीनिंग डैश एंड द पोटामस मीनिंग रिवर। इसका मतलब है कि देखो जो मेसोपोटामिया वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। इसका भी अलग से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोपोटामिया वर्ड जो है वो किस हमारी लैंग्वेज से या किस हमारे कल्चर से
उसका ओरिजिन है, तो आपको बताना है ग्रीक। एक क्वेश्चन सही, देखो बहुत सारे एमसीक्यू बन गए ना। और मीसो का मतलब होता है मेसोपोटामिया में, मीसो का मतलब होता है जो भी होता है वो आपको बताना है, पर पोटामिया का मतलब होता है रिवर। तो मीसो का क्या मतलब होता है, बैक, अपर, मिडल या डीप। आधे सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा। देखो एंड में ना, अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, नहीं कर रखा तो मैं वीडियो बना दूंगा चैप्टर की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप समझ लेना वो चैप्टर पहले। और अगर आपने पूरा चैप्टर समझ रखा है तो ये एज अ टेस्ट लो इसको, ठीक है। और एंड में मेरे को बताना कि सर हमारे इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए टोटल में से, ठीक है। तो मीसो का मतलब है मिडल। बेसिकली जो है, जो मेसोपोटामिया है वो रिवर के बीच में है, ठीक है। यानी मीसो यानी मिडल में, और पोटामिया यानी रिवर। तो रिवर के बीच में, अब किस रिवर के बीच में है वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, उसका भी नीचे क्वेश्चन दे रखा है। मेसोपोटामिया इज नाउ द पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ डैश, किसका, पाकिस्तान का, इराक का, चाइना का, इजिप्ट का। इसका मतलब आपसे ये पूछा गया है कि आज जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया नाम का कोई देश तो नहीं है, कंट्री तो नहीं है, तो मेसोपोटामिया जो है वो आज किस कंट्री का पार्ट है। तो मैं बता दूं कि वो इराक का है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेसोपोटामिया द लैंड बिटवीन द टू रिवर डैश एंड डैश। मैंने बोला था ना, मेसोपोटामिया दो रिवर के बीच में बेसिकली एक एरिया है, उसको कहते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको बता दूं, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मेसोपोटामिया कितने रिवर के बीच में, तो दो रिवर, एक से दो एमसीक्यू बन गए। और उस रिवर का नाम क्या है, टिग्रिस नाइल, यूरेटस और अपना यूफ्रेटस, और नाइल, टिग्रिस और यूफ्रेटस, या अपना नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है जी टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, हिंदी में इसको दजला फरात कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वॉस, यानी जो मेसोपोटामिया की जो पहली लैंग्वेज थी वो किसे मानी जाती है, अरेबिक, सुमेरियन, पर्शियन या अकेडियन। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पहली भाषा मानी जाती है ना हमारी मेसोपोटामिया की, वो मानी जाती है सुमेरी या सुमेरियन भाषा मानी जाती है, ठीक है। चलो बाद में क्या था, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, कुछ बच्चों ने अगर चैप्टर ना समझाओ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लो, ज़्यादा बेटर रहता है। सुमेरी भाषा के बाद क्या हुआ, कुछ बाहर से लोग आने लगे, ठीक है। हमारे नॉर्थ के एरिया में ना अकेदिन, जो अकेदियन जो वाला एक तरह से कल्चर आने लग गया, तो फिर वो धीरे धीरे रिप्लेस हो गई हमारी सुमेरी लैंग्वेज, मतलब उससे, मतलब सुमेरी लैंग्वेज हट गई और अकेदियन लैंग्वेज आ गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेसोपोटामिया वाज इंपॉर्टेंट टू यूरोप यूरोपियंस बिकॉज द रेफरेंस टू इट इन द डैश द फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइबल। बहुत सारे लोग हैं ना यूरोप के लोग, ठीक है, हमारे जो अंग्रेज लोग हैं या मैं कहूँ क्रिश्चियन लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मेसोपोटामिया में। और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह ने भी म्यूज़ियम को फंड किया था ताकि आप यहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे करो, खोज करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि है ना बाइबल का एक पार्ट है, ठीक है। अब वो कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइबल है, तो उसके अंदर है ना कुछ कहानी दे रखी है, और वो कहानी मेसोपोटामिया के कल्चर की कहानी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। उसके नीचे क्वेश्चन आएगा भी, उसका भी। तो वो कौन सी बाइबल के कौन से पार्ट में वो जो कहानी है जो मेसोपोटामिया के कल्चर से मिलती है, तो बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है ना उसमें एक कहानी लिखी हुई है, ठीक है, नोआ की। और उसी कहानी से मिलती जुलती कहानी मेसोपोटामिया में भी है, बट वहाँ का जो मेन हीरो है ना वो अलग है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, मेरी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्कोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगन इन दी, यानी जो आर्कोलॉजिकल सर्वे है ना, मतलब आर्कोलॉजी होना, यानी आप कह सकते हो खुदाई वगैरह, एक्सकवेशन वर्क जो है वो मेसोपोटामिया में कब स्टार्ट हुआ था, 1850s में, ठीक है, 1840s में, 1870s में या 1890s में। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मेसोपोटामिया में एक्सकवेशन वर्क है ना या आर्कोलॉजिकल वर्क है वो 1840s में स्टार्ट हुआ था, 1840। और मैं बता दूं, ये ऐसे नहीं कि एक दो साल तक चला था, 10-20 सालों तक चला था। इंडिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10-20 सालों तक कोई साइट पर इतना ज़्यादा वो किया गया हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द डैश ऑफ स्टोरी इज सिमिलर टू द स्टोरी ऑफ मेसोपोटामिया ट्रेडिशन। ओके, अब देखो यहाँ मेसोपोटामियन लिखा है, तो कन्फ्यूज नहीं हो ना, एक ही बात है, मेसोपोटामिया और मेसोपोटामियन। ओके, वेयर द प्रिंसिपल करेक्टर वॉज कॉल्ड डैश। मैं आपको बता दूँ, मैं ये कहानी है थोड़ी सी, थोड़ा समझ लो। हमारे बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में कहानी है कि ना जब पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी ना, तो हमारे भगवान ने नीचे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जीसस जी ने नीचे एक बंदे को भेजा जिनका नाम था नोआ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी शिप बनाई, ठीक है, बड़ी सी नाव बनाई, और जितने भी हमारे क्रीचर थे ना, जितने भी हमारे जानवर थे, इंसान थे, उन सब का एक एक पेयर रख लिया, एक मेल का, एक फीमेल का,
ठीक है, और फिर बाढ़ आ गई, सब खत्म हो गया, बट वो एक एक पेड़ थे ना उससे फिर दोबारा से दोबारा जनरेशन जनरेशन बनने लगी और पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ऐसा हुआ। ठीक है, तो ऐसी कहानी हमारे मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में भी हमको देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर प्रिंसिपल करेक्टर का नाम क्या था, जियोशुद्ध था, उतना पिस्टिम था, अवतार था, या ए एंड बी बोथ था। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो हीरो था मेसोपोटामिया के अंदर, जैसे हमारे ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर तो हीरो का नाम क्या था हमारा, नोआ, वैसे ही हमारे जो मेसोपोटामियन ट्रेडिशन के अंदर जो हीरो था उसका नाम था जियाशुद्र, और उसको उतना पिस्टिम भी बोलते थे। तो उसका मतलब है, इसका आंसर है ए एंड बी बोथ। देखो याद रखना, कभी कभी यार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ए देख लिया हमने जियाशुद्र, अरे यार यही था, फिर हम मार्क करके आ जाते हैं, बाद में पता चलता है नीचे उतना पिस्टिम भी लिखा हुआ है। तो इसलिए अच्छे से सारे के सारे ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेसोपोटामियम वेपन्स वर मेड अप ऑफ मेटल, यानी कौन से मेटल से हमारे जो मेसोपोटामिया की वेपन्स वगैरह हैं वो बनाई जाती थी। तो मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया के अंदर जो वेपन्स वगैरह हैं वो हमारे ब्रॉन्ज के बनाए जाते थे। ठीक है, और जो ब्रॉन्ज होता है ना वो अलॉय होता है, अलॉय का मतलब एक मिक्सचर होता है किसका, डैश का एंड टिन का, यानी दो मेटल को मिलाने के बाद हमारा ब्रॉन्ज बनता है, एक तो टिन को और दूसरा क्या है वो आपको बताना है, आयरन को, कॉपर को, लेड को, या नन ऑफ दीज को। तो मैं आपको बता दूं, आयरन और कॉपर को जब मिलाया जाता है तभी आपका ब्रॉन्ज बनता है। तो आपसे एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियसली बात है सारे एक मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा आ सकता है कि ब्रॉन्ज जो है वो किसका अलॉय है, वो टिन और कॉपर का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द अर्लीस्ट सिटी इन मेसोपोटामिया डेट बैक टू दी ब्रॉन्ज एज, ये हमारा सी है मतलब सेंचुरी बीसीई डैश बीसीई, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। मैं आपको बता दूं कि माना जाता है क्राइस्ट है ना, जैसे अभी चल रहा है 2021 चल रहा है ना, 2021 चल रहा है, तो अभी हम 2021 पे हैं, तो इस टाइम को बोलते हैं एडी। अब कोई साल जीरो भी रहा होगा, तो माना जाता है कि जीरो टाइम पे हमारे जीसस जी का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो टाइम है उसको कहा जाता है एडी, और जीसस टाइम के जो जन्म से पहले का टाइम है ना उसको बोला जाता है बीसीई। ठीक है, जीसस क्राइस्ट से 100 साल पहले की बात करें, यानी आज से 2121 साल पहले की बात करें, समझ रहे हो ना, 2021 तो चल रहा है और 100 पहले के साल, तो उसको बोलते हैं हम 100 बीसीई, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। तो यही बात लिखी हुई है, अब इसमें ये बोल रखा है कि मेसोपोटामिया में जो ब्रॉन्ज एज आई थी, तो माना जाता है सबसे पहले वहाँ पर सिटीज़ वगैरह कब आना स्टार्ट हुई थी, और ब्रॉन्ज जो हमारा सिटी वगैरह है मेसोपोटामिया में, माना जाता है कि 3000 BCE यानी जीसस क्राइस्ट के 3000 साल पहले जब ब्रॉन्ज एज हमारा स्टार्ट हो गया था, मतलब ब्रॉन्ज का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था औजार वगैरह बनाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ है ना ऐसा नहीं है कि पूरा हथियार जो था वो ब्रॉन्ज से बनाया जाता था, नहीं, जैसे कोई मेटल जैसे हथौड़ा वगैरह हो गया तो उसका ऊपर वाला पार्ट बनाया जाता था, बाकी का लकड़ी का होता था, तो ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए ना, अर्ली सिटीज़ जो है वो ब्रॉन्ज एज में हमें देखने के लिए मिली कब, 3000 BCE में। BCE का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, या बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन द नॉर्थ ऑफ द मेसोपोटामिया देयर वाज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड डैश, मतलब है ना मेसोपोटामिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना वहाँ पर बहुत खुला सा और थोड़ा बंजर सा, आप कह सकते हो सूखा सा इलाका है। ठीक है, जहाँ पर लोग अपने जानवर वगैरह चराते हैं, एग्रीकल्चर से ज़्यादा वहाँ पर जानवरों को पाला जाता है उस एरिया में, नॉर्थ वाले एरिया में। ठीक है, जब विंटर होता है, विंटर के बाद बारिश वगैरह आती है और वो जो थोड़ी बंजर है, थोड़ी सी हमारी घासें वाली है, तो वो जो हमारे जानवर है उसको खा के अपना ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उस एरिया को जो हमारे नॉर्थ का एरिया है, वो जो बड़ा सा लैंड मैंने बोला ना, थोड़ा सा सूखा सा इलाका होता है, ड्राई एरिया होता है ना, बारिश के बाद वहाँ पर फिर जानवरों को चराने के लिए ले जाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जी स्टेपी। याद रखना है आपको आ सकता है कि स्टेपी क्या होता है, नॉर्थ में जो एरिया होता है ना बड़ा सा अपलैंड होता है, स्ट्रेच बहुत बड़ा ड्राई सा लैंड होता है, उसी को कहते हैं स्टेपी। और यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर लाइवलीहुड के लिए लोग अपने हर्डिंग करते हैं, हर्डिंग यानी एनिमल हर्डिंग करते हैं, जानवरों को पालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बुक की एक एक लाइन से मैंने MCQ बनाया है। ठीक है, और मैं कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बुक में है भी या नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने बुक की PDF भी खोल रखी है ताकि मैं आपको सारी की सारी चीज़ें एक बार ये हो जाए तो बुक के अंदर से भी बता पाऊँ कि हाँ यार ये कर लेना ये कर लेना। ठीक है, चलो, द डिवीजन ऑफ डैश इज़ द मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। देखो गांव में क्या होता है, ज़्यादातर लोग देखो सारे के सारे काम खुद ही करते हैं, बैंक जाने का काम भी खुद करते हैं, अपने कपड़े भी खुद सिलते हैं, मतलब मेजरली काम, ठीक है, दूध निकालना खुद का काम होता है उनका खुद का। बट अगर आप शहरों में जाओगे ना तो सबका अलग अलग काम होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है,
जैसे कि अगर आप यहाँ पर शहरों में रहते हो ना, तो सोनार अलग होता है, लोहार अलग होता है ना, ज्वेलरी का जो काम करते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, जो आयरन का काम करते हैं वो अलग होते हैं, तो स्पेशलाइज्ड होते हैं सारे के सारे अपनी अपनी फील्ड में। तो यानी यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है शहरों में, और इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पर अर्बन लाइफ है। ओके चलो, अब आ गया पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो इस पिक्चर को। ये पिक्चर है ना, एक हेड है, एक लेडी का हेड है, ठीक है। अब एक किस लेडी का हेड है वो आपको बताना है। दिस हेड इज़ नोन एज, को क्या कहा जाता है, रेड लेडी हेड, वारका हेड, लार्का हेड, या स्त्री सर। तो स्त्री सर मैंने ऐसे लिख दिया, पता ही चल रहा होगा आपको हिंदी नाम है तो स्त्री सर कैसे ही होगा। तो इसका आंसर है जी वारका हेड, ठीक है। अब है ना, ये जो है हमें एक, चलो इससे नीचे एक और क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है, कि ये जो स्कल्पचर है हमें 3000 BCE पुराना माना जाता है, और ये ना वाइट मार्बल से बना हुआ है, और ये हमें कहाँ पर मिला था, कौन से एरिया में मिला था, ये हमें मिला था उरुक, ठीक है, उरुक में मिला था, याद रखना ये आपको, ये जो हमारा वारका हेड है ना, ये हमें उरुक में मिला था 3000 BCE में। और ये ना दो पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, एक तो हमारा वाइट शेल, फिर बिट्यूमेन जो ब्लैक कलर का होता है, डाम्बर जिसे बोलते हैं ना, है ना वो, और तीसरा एक ब्लू कलर का और पत्थर होता है, उसको क्या कहते हैं, ब्लैक रूबल, लापिस लजूली, बैक्टिक या वाइट रूबल। तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारा ये वारका हेड है वो लैपिस लजूली, जो एक ब्लू कलर का पत्थर है, और फिर वाइट, और वाइट और ब्लैक का तो बता रखा है, पर जो ब्लू कलर का वो लैपिस लजूली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन मेसोपोटामिया द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज डैश, मतलब सबसे सस्ता तरीका एक जगह से दूसरी जगह जाने का क्या है, बुलोकार्ट, एयर, वाटर, या नन ऑफ द अबव। तो मेसोपोटामिया में सबसे चीपेस्ट वे माना जाता था हमारा वाटर। देखो बात क्या थी, हमारे मेसोपोटामिया के अंदर है ना इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है, जैसे आयरन वगैरह और ये ब्रॉन्ज वगैरह, कॉपर, टिन नहीं था, बट ना यहाँ पर खेती वगैरह ठीक ठाक होती थी, और आसपास के जो इलाके हैं जैसे टर्की वगैरह हो गया ना, हमारा ईरान वगैरह हो गया, यहाँ पर खेती अच्छी नहीं हुआ करती थी, बट यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत थे। तो हमारे मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, ट्रेड करने का सोचते थे उन कंट्री से। कैसे करते थे वो, जो हमारी रिवर है, रिवर से वो क्या करते थे, वहाँ पर जाया करते थे। तो क्यों, क्योंकि अगर अपने जानवरों को लेकर जाएंगे, बुलो कार्ट वगैरह को लेकर जाएंगे, तो टाइम भी बहुत लगता था, पैसा भी बहुत लगता था, और जानवरों को खिलाना भी पड़ता था। बट नाव से क्या है, सस्ते में पहुँच जाते हैं, फ्लो के साथ चलता है, तेज़ चलता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर माना जाता था, चीपेस्ट वे माना जाता था वाटर वे। ओके, जो हमारी यूफ्रेटस जाती थी ना रिवर। चलो यही क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है के डैश रिवर इन मेसोपोटामिया वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड रूट। तो मैं आपको बता दूं, हमारी यूफ्रेटस जो रिवर है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती थी वर्ल्ड रूट। यानी मैंने आपको बताया ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेसोपोटामिया के लोग ज़्यादातर हमारे यूफ्रेटस रिवर पे ही डिपेंडेंट थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर माना जाता था। दो ही रिवर है, एक तो टिग्रिस और यूफ्रेटस, तो यूफ्रेटस को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टर्की वगैरह से, इजिप्ट वगैरह से करते थे, ईरान से थोड़ा कम होता था, ईरान जो है वो अपना उससे जोड़ती थी, टिग्रिस जो है वो ईरान से जोड़ती थी हमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट रिटर्न अराउंड, यानी मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया ने हमें टैबलेट मिली है। अब टैबलेट मतलब वो नहीं जो एप्पल वगैरह की आती है, टैबलेट है ना, बेसिकली होता क्या है, चिकनी मिट्टी देखी है आपने, तो पहले क्या होता था, रिकॉर्ड रखने के लिए ऐसे पेन पेंसिल तो हुआ नहीं करती थी, है ना, कॉपी वगैरह, तो वो क्या करते थे कि चिकनी मिट्टी से एक आप कह सकते हो रेक्टेंगल शेप का एक वो बनाते थे, और ऊपर से उसको बिल्कुल प्लेन कर देते थे उसके सरफेस को, और फिर उससे लिखते थे, ठीक है, उस पर लिखते थे और फिर उसे सुखा देते थे, तो उसी को टैबलेट कहा जाता था। और माना जाता है कि पहली टैबलेट जो है वो 3200 BCE पुरानी है, ठीक है, यानी 3000 BCE पुरानी, यानी जीसस क्राइस्ट के 3200 साल पहले लिखी गई थी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट लैंग्वेज वाज यूज्ड आफ्टर सुमेरियन। मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले सुमेरियन लैंग्वेज बोला करते थे हमारे मेसोपोटामिया में, उसके बाद कौन सी लैंग्वेज आई थी, अकेडियन, हमारी इंग्लिश, पर्शियन, अरेबिक। यहाँ मैं आपको बताऊँ तो सबसे जो भाषा थी सुमेरियन थी, उसके बाद अकेडियन थी। कैसे, नॉर्थ में अकेडियन लोग आ गए थे, उसके बाद धीरे 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 सुमेरी भाषा खत्म होने लगी और लोग अकेडियन भाषा यूज़ करने लगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इन मेसोपोटामियम वॉज स्किल्ड क्राफ्ट,
बट मोर इम्पॉर्टेंट इट वॉज एनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट कन्वेइंग इन अ विजुअल फॉर्म इन द सिस्टम ऑफ साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। इसका मतलब है कि एक काम था हमारे मेसोपोटामिया के अंदर जो बहुत ही स्किल्ड माना जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था, और उस काम को करने के लिए ना आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मतलब माना जाता था अगर वो आप काम करते थे, क्योंकि उसमें क्या करता था कि साउंड को विजुअलाइज किया जाता था। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। पहले तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, स्विमिंग, डांसिंग, राइटिंग या हॉर्स राइडिंग। तो इसका आंसर है जी राइटिंग। मैं आपको बता दूं हमारे मेसोपोटामिया में जो है लोग क्या करते थे, मेसोपोटामिया में जो भी पढ़े लिखे लोग होते थे, बहुत ही कम था पढ़े लिखे का नंबर, बहुत ही कम था, तो वो उनको बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माना जाता था। क्योंकि आज देखो हमारे पास वर्ड है, वर्ड का मतलब क्या है, अक्षर है, वर्ड है जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, लेटर्स हैं, तो हम उससे कोई भी लिख देते। मैं आपको बोलूँगा ज़ेब्रा लिखो तो आप ज़ेब्रा लिख दोगे, है ना, तो अब ज़ेब्रा की पिक्चर तो नहीं बताओगे बनाओगे। बट पहले ऐसा होता था हमारे मेसोपोटामिया कल्चर में, क्या होता था क्योंकि वर्ड्स तो थे नहीं, लैंग्वेज नहीं थी, सुमेरियन लैंग्वेज बाद में आई थी, मैं आपको बता दूं सुमेरियन लैंग्वेज भी बाद में आई थी। तो हुआ क्या करता था कि जब ये हमें मिलना स्टार्ट हुई, मतलब टैबलेट वगैरह पे लिखना स्टार्ट हुआ, तो हमें विजुअलाइज़ करना पड़ता था, ठीक है। वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल थे वो पिक्चर बना के थोड़ा सा करते थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वर्ड हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा वर्ड। बैल के लिए जो होता है ना, बैल वगैरह, बुलो कार्ट वगैरह के लिए थोड़े अलग डिज़ाइन का वर्ड लिखा जाता था, तो ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअल माना जाता था जो साउंड को फिर उसमें विजुअलाइज़ करते थे। ओके चलो, तो इसका आंसर हो गया आपका राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट। जो मेसोपोटामिया के डैश लोग जो हैं रीड एंड राइट कर सकते थे, बहुत ज़्यादा लोग, सिर्फ किंग, बहुत कम लोग, या कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा वेरी फ्यू मेसोपोटामियम कुड रीड एंड राइट, बहुत कम लोग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वॉज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरुक। उरुक का माना जाता है कि सबसे पुराना जो हमारा किंग था उनका नाम क्या था, वो ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं अलेक्जेंडर, उरुकियन, एनमर्कर या चार्ल्स, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ एनमर्कर है, ठीक है। देखो ये है ना एक थ्योरिटिकली है, मतलब कंफर्म नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ एनमर्कर, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इनकी कहानी पता होगी। बेसिकली है ना बोला जाता है कि एक बहुत पुराने राजा थे एनमर्कर, सबसे अर्लीस्ट किंग माना जाता है। इससे पुराने किंग का अभी तक कुछ हमें एविडेंस अभी मिल नहीं पाया ज़्यादा, तो सबसे पुराना किंग ही नहीं माना गया, और माना जाता है कि सबसे पहले जो टैबलेट है ना वो किंग ने ही यूज़ करी थी, जिसमें से एक एनमर्कर थी, एनमर्कर ही थे। अब देखो स्टोरी क्या थी कि जो एनमर्कर है ना अपने एरिया के टेंपल वगैरह के लिए बहुत अलग अलग टाइप के पत्थर मंगवाना चाहते थे अलग अलग से, क्योंकि मेसोपोटामिया में तो इतने पत्थर थे नहीं बढ़िया क्वालिटी के, जैसे मैंने बोला रिसोर्सेज कम थे, तो वो दूसरी कंट्री से मंगवाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने एक, आप कह सकते ना एम्बसी का बंदा नहीं होता, दूत जिसे हिंदी में बोलते हैं, राजदूत है ना, तो भेजता है वो दूसरी कंट्री में, भेजता है वो, जाता है दूसरी कंट्री में, तो दूसरी कंट्री में जाता है, बहुत दूर तक जाता है उसका वो जो राजदूत होता है, तो फिर वो समझाता है कि जी हमें पत्थर वगैरह चाहिए अपने मंदिर को सजाने के लिए। राजा को समझ नहीं आती जिस राजा के पास वो जाता है, फिर दोबारा वो आता है कि सर मना कर दिया उसने, तो दे ही नहीं रहा, वो कह रहा है ऐसे कैसे मना कर दिया, दोबारा जाके बोलो। फिर वो दोबारा जाके बोलता है, राजा को वहाँ के फिर समझ नहीं आता, ठीक है, राजा को समझ नहीं आता, वो समझता है कि जी ना बोल दिया राजा ने, फिर वो आता है। अब हमारा एनमर्कर जो है वो उसका मत्था घूम जाता है, वो कहता है यार ये तो बेइज्जती हो रही है हमारी, तो टैबलेट पे धमकी लिख के भेजता है कि भाई अब तो लपेट दूंगा मैं या कुछ कर दूंगा मैं, लड़ाई वड़ाई हो जाएगी, दप्पड़ हो जाएगी, तू दे दे पत्थर जो मांग रहे हैं हम दे दे। तो ऐसे ये कहानी जो है ये सही है या नहीं है इस पे है ना बहुत उंगलियाँ उठती रहती है, बट माना जाता है कि इससे हमें ये तो पता चलता है कि सबसे पहले जो टैबलेट का यूज़ है वो राजा ने किया, वो जो एनमर्कर ने धमकी लिख के दी थी ना टैबलेट पे, तो ऐसे ही यूज़ किया गया ये माना जाता है। तो इससे, इस कहानी से हमें कम से कम इतना तो पता चला हमारे हिस्टोरियंस को कि सबसे पहले राजाओं ने ऐसी टैबलेट्स का यूज़ करना स्टार्ट किया था धमकी देने के लिए, ठीक है। ओके, क्यूनिफॉर्म इज राइट फ्रॉम द डैश वर्ड, ठीक है। क्यूनिस मीनिंग द वेज एंड द फॉर्मा मीनिंग शेप, मतलब वेज शेप जो होती थी ना एक, इसे कहते हैं कीलाकार, जिसे हिंदी में बोला जाता है ना कीलाकार, लिखा जाता है, मैंने आपको बोला ना टैबलेट पे लिखा जाता है। तो जो क्यूनिफॉर्म है हमारा वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, पर्शियन वर्ड है। तो मैं आपको बता दूँ ये जो हमारा क्यूनिफॉर्म है वो हमारा एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, और आपको देखिए आ भी सकता है क्यूनिस का मतलब अलग से आ सकता है, वेज होता है और ठीक है, और हमारा फॉर्मा का मतलब शेप होता है, वेज शेप मतलब होता है ना बिल्कुल कटीले शेप पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और नीचे वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डैश वॉज द गॉडेस ऑफ द लव एंड वॉर, ठीक है। लव एंड वॉर की देवी माना जाता था एक को, एक देवी को, तो उनका नाम क्या है, उर,
इनन्ना अवतार या ऑल ऑफ द अबव। तो मैं बता दूं इसका आंसर है जी हमारा इनन्ना। इनन्ना को देवी माना जाता था प्यार और जंग की ना लड़ाई की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 के डैश वॉज दी गॉड गॉड ऑफ मून। गॉड ऑफ मून किसे माना जाता था, उर को, इनन्ना को, अवतार को या ऑल ऑफ द अबव। पहले तो मैं बता दूं उर है ना एक जगह का नाम भी है और उर जो है वो एक गॉड का नाम भी है जिनको गॉड ऑफ मून कहा जाता था। तो इसका आंसर है ए, ठीक है, गॉड ऑफ मून यानी उर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई द लीडर एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ द विलेज क्लोज टू देमसेल्फ। मैं आपको बता दूं होता पता है क्या था। देखो बात यह है कि हमारे ना रिवर रिवर जो थी वो या तो यूफ्रेटस थी या टिग्रिस थी। तो है ना ये ज़्यादातर जो हमारे साउथ में, साउथ के अंदर ही सबसे पहले माना जाता है कि सिटी वगैरह इस्टेब्लिश हुई। तो होता क्या था कि साउथ से जब रिवर जाती थी ना तो ऊपर जहाँ से पहले जाती थी रिवर वो ज़्यादा पानी यूज़ कर लेते थे और फिर नीचे वालों के पास कम पानी रह जाता था। तो ऐसे है ना दो कबीलों के बीच, ठीक है, दो उनके बीच में लड़ाई हो जाती थी। ठीक है, तो जो जीतता था ना उन्हीं के पास सारा का सारा ज़मीन आ जाती थी। मतलब जैसे मान लो मेरी और आपकी लड़ाई हुई, मेरे कबीले की और आपके कबीले की लड़ाई हुई और मेरा कबीला जीत जाता है, तो मैं क्या करूँगा आपके कबीले का जितना चीज़ है वो तो लूटूंगा ही लूटूंगा और आपको गुलाम भी बना लूँगा आपके लोगों को। ठीक है, तो ये सिस्टम हुआ करता था। और मैं आपको बता दूँ इसलिए ना जो लीडर थे ना वो अपने चाहते थे कि उनके जो भी लोग हैं ना उनके आसपास ही रहे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कभी लड़ाई हो जाती है ना, ठीक है, तो लड़ाई हो जाती है तो आर्मी बनाना ना इजी रहेगा। आर्मी बनानी पड़ती है ना, लड़ना है तो फिर आर्मी बनानी पड़ेगी सामने वाले से लड़ना है तो टू बी एबल टू रैपिडली गेट एन आर्मी टुगेदर, मतलब बहुत जल्दी आर्मी बना पाए अपनी। इसलिए वो चाहते थे कि इस गांव में जितने भी लोग हैं वो आपस में बहुत पास पास रहें और एक सेफ्टी भी महसूस होती है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। देयर वॉज अ टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क दैट वी कैन से इज अप्रोप्रिएटली टू एन अर्बन इकोनॉमी वॉज डैश। माना जाता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने की वजह से अर्बन इकोनॉमी में बूम आ गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया हुआ अर्बन इकोनॉमी का। तो वो क्या था, वो अपना बोर्ड था, द पोटरी व्हील था, इरिगेशन सिस्टम था या किंग था। मैं आपको बता दूं इसका आंसर है पोटरी व्हील। ठीक है, पहले क्या होता था कि बहुत मुश्किल होती थी। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि जब पोटरी व्हील होता है वो जो चिकनी मिट्टी वो घूमता है ना वो पहिया, वो एक बहुत बड़ी इन्वेंशन माना गया था अर्बन इकोनॉमी के लिए। क्योंकि उस टाइम उससे पहले ना बहुत धीरे धीरे काम होता था, जो भी चिकनी मिट्टी वगैरह से ऐसी मिट्टियों से बहुत जो काम होता था ना बहुत धीरे होता था, बट वो जब व्हील वाला सिस्टम आ गया तो बहुत जल्दी होने लग गया। ठीक है, तो ये माना जाता है कि अर्बन इकोनॉमी में इसने बहुत ज़्यादा बड़ा रोल निभाया। क्योंकि पहले क्या होता था, टैबलेट की भी ज़रूरत पड़ती थी, सील की भी ज़रूरत पड़ती थी। सील आपको पता है ना, सील लगाई जाती थी। मैं दिखाऊंगा अभी पिक्चर, मैंने जैसे बोला बुक की पीडीएफ से दिखाऊंगा, तो वो सील बोला जाता था उसे। और वो जो था हमारे पोटरी व्हील से बहुत आसानी से हो गया था काम। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केन मेसोपोटामिया अंटिल द एंड ऑफ डैश मिलेनियम बीसीई। अब ये मिलेनियम का मतलब होता है जी हज़ार साल। ठीक है, हज़ार साल BCE सिलेंडर स्टोन ऑफ सील, ठीक है, डाउन टू द सेंटर वॉज फिटेड विद अ स्टिक एंड रोल्ड ओवर द वेट क्ले सो दैट द कॉन्टीन्यूअस पिक्चर वॉज क्रिएटेड। ठीक है, ये पियर्स लिखा है। ठीक है, पियर्स डाउन द सेंटर। अब इसका मतलब क्या है, मैं चलो आपको एक पिक्चर से दिखा देता हूँ। ऑल दो मैंने बोला था कि मैं सारे का सारा दिखा दूंगा, बट पहले मैं ये पिक्चर क्लियर करवा देता हूँ, नहीं तो आपके डाउट रहेगा। ठीक है, ये टैबलेट है, ऊपर दिख रहा है ना टैबलेट है। अभी और क्वेश्चन करने हैं हमें, डोंट वरी, बट मैं पहले वो अपना वो टैबलेट वाला वो क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है, कि क्या था ये, देखो ये बता रखा है कि एक है ना ये होता था। ठीक है, तो है ना इस ये ना खोखला होता है, इसके बीच में से एक है ना वो डाला जाता है, डंडी वगैरह डाली जाती है कोई भी, और फिर है ना इसको रोल कर दिया जाता है इस पर। ऐसे रोल कर देते हैं ना जब, तो ये छप जाता है। इस पर जो छपा हुआ है ना वही है ये, समझ लो, इस पर जो छपा हुआ है वही है ये, रोल कर दिया बस। इस पे जो छपा हुआ है वही है ये, रोल कर दिया बस। इस पे जो छपा हुआ है वही है ये, रोल कर दिया बस, समझ रहे हो? तो यही है क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा से आ जाते हैं अपनी पीडीएफ पे। ओके, तो रोल कर दिया, तो अब ये कब टाइम, किस टाइम की बात करी गई है, तो मैं बता दूं ये बात करी गई है मेरी फर्स्ट मिलीनियम BC, यानी हज़ार साल पहले होता था ये, जीसस क्राइस्ट के हज़ार साल पहले ये काम हुआ करता था। मेसोपोटामिया में सिलेंड्रिकल स्टोन होता था उस सील का, फिर उसे घुमाया जाता था सेंटर से, खोखला होता था, फिर उस पर स्टिक जो है वो फिट करी जाती थी, रोल करा जाता था और फिर पिक्चर बन जाती थी। तो ये काम जो होता था फर्स्ट बीसी, फर्स्ट मिलेनियम बीसी में होता था। मैं देखो लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना इंडिया स्टैम्प, फर्स्ट मिलेनियम बीसीई।
ठीक है, मेसोपोटामिया के अंदर की बात हो रही है यहाँ पर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मेसोपोटामियम सोसाइटी वॉज डैश फैमिली, यानी मेसोपोटामिया में हमें जो फैमिली मिलती थी ना मेसोपोटामियम सोसाइटी में, वो डैश थी, क्या थी? न्यूक्लियर थी, जॉइंट थी, मिक्स थी या डिवाइडेड थी? मतलब न्यूक्लियर फैमिली थी या जॉइंट फैमिली रहा करते थे, मिक्स फैमिली थी या डिवाइडेड फैमिली थी? तो हमारे मेसोपोटामिया में ज़्यादातर क्या, मैक्सिमम हमें न्यूक्लियर फैमिली देखने के लिए मिली है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फैमिली? जिसमें माता हो, पिता हो और उनके बच्चे हो, और बच्चों में से भी जो ज़्यादा लड़के हुआ करते थे ना वो मैरिड हुआ करते थे। ठीक है, तो ये था हमारे मतलब न्यूक्लियर फैमिली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर वॉज ए टाउन, याद है ना मैंने आपको बोला था उर को हम गॉड ऑफ मून भी बोलते हैं और उर एक जगह का नाम भी है। तो उर वॉज अ टाउन हुज ऑर्डिनरी हाउसेज वर सिस्टमैटिकली एक्सकवेटेड इन डैश, यानी हमारा उर जो एरिया है वहाँ पर जो घर वगैरह थे उनको है ना मतलब खोजबीन करी गई थी, उनको एक्सकवेट करा गया था। ठीक है, तो वो कब किया गया था? 1930s में, 1940s में, 1960s में या 1980s में? तो इसका आंसर है जी 1980s में। ठीक है चलो, अब नेक्स्ट है जी हमारा ये पैराग्राफ वाला। अभी अगर मैं पैराग्राफ पढ़ने बैठूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें ना मारी की बात करी गई है। ठीक है, मारी था बेसिकली जो बहुत फ्लोरिश हो रहा था, इसको ना कैपिटल माना जाता था, रॉयल कैपिटल हमारे किसका, हमारे एक तरह से मेसोपोटामिया का। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था ना वो कम्युनिटी वाला के, पता है बात क्या होती थी, हमारे ना दो तरह के लोग होते थे, एक तो जो एग्रीकल्चर कहा करते थे और एक जो जानवरों को पाला करते थे। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती थी, क्यों? कभी कभार क्या होता था, जो एग्रीकल्चर हमारे फार्मर है, फार्मर क्या थे, उनको लगता था कि ये जो खाना बदोश लोग हैं, और वो करते भी ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे थे जो अपने एनिमल वगैरह को पालते थे और कभी कभी फार्मर के एरिया में हमला कर देते थे और उनके जो भी अनाज वगैरह उन्होंने संभाल के रखा होता था उसको लूट के ले जाते थे। और जो एनिमल हर्डर है यानी जो जानवर पालते हैं उनको फार्मर इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि मान लो एक फार्म पड़ गया बीच में है ना, और उस साइड नदी है तो नदी पे जाने के लिए रास्ता नहीं देते थे क्योंकि ज़्यादातर तो हमारे फार्म जो थे नदी के पास हुआ करते थे। तो इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी और इन दोनों में लड़ाई चलती रहती थी। तो यही सारा का सारा बताया गया है। ठीक है, और साथ में ये भी बताया गया है कि हमारा बहुत ही अच्छा कल्चर माना जाता है हमारे किसका, हमारे मेसोपोटामिया का। और मैं आपको बता दूं बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग जो हैं दूसरे दूसरे एरिया से हमारे मेसोपोटामिया के अंदर रहने आए थे। ठीक है, और एक किंग के बारे में बताया गया है मारी का, वो बंदा एमोराइट्स, ठीक है, एमोराइट्स कल्चर का था बेसिकली वो। और वो क्या करता था, अपने एरिया के भगवानों को तो मानता ही मानता था। ठीक है, और साथ ही में गॉड ऑफ डेगन, डेगन एक भगवान है। ठीक है, कहाँ के, स्टेपी के। ठीक है, यहाँ पर गॉड ऑफ स्टेपी आना चाहिए था। ठीक है, वो गॉड ऑफ स्टेपी को भी मानते थे। स्टेपी का मतलब होता है जो हमने देखा था ना ऊपर, स्टेपी जो होता है वो बड़ा सा एरिया होता है, स्ट्रेच एरिया होता है। तो मतलब अपने भगवानों को भी मानते थे, जो बाहर से लोग आए थे ना हमारे मेसोपोटामिया के अंदर, वो अपने भगवानों को भी मानते थे और मेसोपोटामिया के भगवानों को भी मानते थे। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यही पैराग्राफ था, पढ़ लेना आप ये, वैसे मैं बुक का ही पैराग्राफ है। ठीक है, बुक का ही एक टॉपिक है बेसिकली, पूरा का पूरा मैंने छाप दिया और उसी से क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चन है हमारा कि द किंग ऑफ मारी वर डैश कम्युनिटी, वर फ्रॉम डैश कम्युनिटी, फ्रॉम आना चाहिए था, जो मारी कम्युनिटी के जो किंग है वो डैश कम्युनिटी से थे। किस कम्युनिटी से थे जी? ए लिखा है अमोराइट्स, डेगन, अकेडियन, आइसीरियन। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है जी एमोराइट्स। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा था ना हमारे जो एमोराइट्स थे मारी के किंग वगैरह है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, गॉड ऑफ स्टेपी किसे माना जाता था, गॉड ऑफ स्टेपी किसे माना जाता था? ये देखो जी लिखा है मारी फॉर डेगन, गॉड ऑफ स्टेपी माना जाता था, यानी इसका आंसर है डेगन। ठीक है, डेगन को, मारी तो जगह का नाम है, डेगन बेसिकली गॉड है जो कि स्टेपी के गॉड थे। ठीक है, लैंड जो स्टेपी वाला था। नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ़ दी टेरिटरी इन मारी, मारी के अंदर ज़्यादातर लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, टेंपल, वेस्टलैंड या पास्चर, गोट एंड शीप, मतलब जानवरों को चराना वगैरह का काम करते थे। तो मैं आपको बता दूँ ज़्यादातर मारी के अंदर जानवरों को चराने का ही काम होता था, इसीलिए वो जो फार्मर थे वो ज़्यादा डरते थे हमारे उनसे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी इस वाले एरिया में। ठीक है चलो, इसलिए वो लूट के ले जाते थे गाँव के गाँव को। ठीक है, क्योंकि गाँव जो थे वो हमारे फार्मर के छोटे हुआ करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डैश एंड डैश इन मारी, मारी के अंदर डैश एंड डैश के बीच में, डैश एंड फार्मर के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, फार्मर की फैमिली और फार्मर के बीच में, हर्ड्समैन यानी वो जानवर को चराने वाले और फार्मर के बीच में, ट्रेडर और फार्मर के बीच में, या किंग और फार्मर के बीच में। तो इसका आंसर है जी हमारे हर्ड्समैन और फार्मर, यानी जो जानवरों को चराते हैं उनके और फार्मर के बीच में, देख ही लिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारी स्टैंड नॉट ऑन दी सदर्न प्लेन विद दी हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बट मच फर्दर अपस्ट्रीम ऑन दी डैश, मतलब मारी के अंदर आप देखें तो वो सदर्न मतलब प्लेन पे तो है, हाईली एग्रीकल्चर एरिया माना जाता है, बट वो डैश रिवर के अपस्ट्रीम में थे। किस रिवर के? यूफ्रेटस, नाइल, टिग्रिस, गंगा। तो इसका आंसर है जी यूफ्रेटस। ठीक है, मैं आपको बता दूं जब भी साउथ वर्ड लिखा हो ना तो आप समझ जाना कि इसका आंसर यूफ्रेटस ही होगा, क्योंकि साउथ में ना हमारी जो थी वो यूफ्रेटस रिवर ही थी। ठीक है, इस पे ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टिग्रिस जो है वो बहुत कम मेंशन किया गया इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादातर ऑप्शन में आप यूफ्रेटस ही करके आना, अगर मान लो आपने चैप्टर नहीं भी कर रखा है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 2000 BCE डैश सिटी फ्लोरिस एट द रॉयल कैपिटल ऑफ मेसोपोटामिया, इसका आंसर तो मारी है, पैराग्राफ वाला ही क्वेश्चन है ये, ऊपर हमने देखा था, पहली लाइन ही लिखी हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2000 BC द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लोरिस्ट, तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए 36 का, मारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हु वॉज द पॉपुलर किंग ऑफ मारी। मैं आपको बता दूँ सबसे पॉपुलर किंग ऑफ मारी पता किसे माना जाता है, जिन्होंने अपना खुद का पैलेस भी खड़ा किया था। डेगन, डेगन तो नहीं हो सकता, ये तो जी हमारे स्टेपी के भगवान थे। एमोरिट, से तो कबीले का नाम था। ठीक है, जिमरिलिम या नोआ, नोआ तो वो थे हमारे जिनको जीसस ने भेजा था, इसका आंसर है जिमरिलिम। जिमरिलिम ने अपना एक बहुत बड़ा महल भी क्रिएट किया था, उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे कमरे थे, कितने कमरे थे वो भी नीचे क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं बता नहीं रहा। ठीक है, तो जिमरिलिम है जो सबसे पॉपुलर किंग माना जाता था मारी के, मारी के मेसोपोटामिया नहीं, मारी के। ठीक है, तो मारी के किंग पूछा जा सकता है आपको डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर वॉज डैश रूम इन द पैलेस ऑफ एट मारी ऑफ द किंग, यानी जो हमारे मारी के किंग थे ना जिलिरिम, जिमरिलिम, जो हमारे जिमरिलिम थे उनके पैलेस में कितने कमरे थे? 260। ठीक है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन, वेरियस अदर हमारे जो गुड्स होते थे वर कैरिड इन अ बोट अलॉन्ग विद डैश बिटवीन द साउथ एंड द मिनरल रिच अपलैंड ऑफ द टर्की, सीरिया, लेबनान। तो इसका मतलब है कि जो कॉपर था, टिन था, ऑयल थी, वाइन थी, ये सारी की सारी है ना एक रिवर से, बोट की मदद से एक रिवर से, उस रिवर का नाम बताना है, हमारे मेसोपोटामिया के साउथ से जो टर्की था, सीरिया था, लेबनान तक ले जाया जाता था। तो उस रिवर का क्या नाम था? मैंने बोला था जब भी लिखा हो ना रिवर और कहीं भी साउथ मिल जाए तो समझ जाना यार इसका आंसर यूफ्रेटस है। ज़्यादातर रिवर का यूज़ है ना, मैं आपको बता दूँ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए यूफ्रेटस का ही किया जाता था। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर ईरान लिखा होता कि ईरान से क्या होता था, लेन देन होता था, तो ईरान से लेन देन जो होता था वो टिग्रिस से होता था, बट इन ज़्यादातर जगहों से, टर्की, सीरिया, लेबनान से जो साउथ के अंदर पड़ते थे, यूफ्रेटस से होता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं वैसे ही समझा देता हूँ। तो मारी के अंदर क्या होता था, ये इसमें ना हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मारी है वो एक अर्बन सेंटर भी माना जाता था, बहुत प्रॉस्परिंग अर्बन सेंटर माना जाता था, क्योंकि बोट से क्या किया जाता था, कैरी करी जाती थी बहुत सारी चीज़ें, वाइन हो गया, ऑयल जार्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कैरी करी जाती थी सदर्न सिटी पे। बहुत सारे ऑफिसर भी लगाए गए थे जो क्या करते थे, चेकिंग करते थे और जो कुछ चीज़ें उतार भी लेते थे एज अ टैक्स, 1/10 चीज़ें जो थी वो अपने पास रख लेते थे एज अ टैक्स। ठीक है, और कुछ चीज़ें थी, कुछ ऐसे आइलैंड थे जो कि कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ठीक है, साइप्रस में एक आइलैंड था जो कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था, तो उसी आइलैंड का आपको नाम बताना है। दिनार है आइलैंड का नाम, जमैका है, जापान है, या अलेशिया है, तो इसका नाम आंसर है जी अलेशिया। अलेशिया जो है वो हमारे कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर आइलैंड था। मैंने पूरा का पूरा सिर्फ इसलिए आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो सिर्फ अगर इतना भी पूछता ना कॉपर के लिए जो एक आइलैंड था साइप्रस में उसका नाम क्या था, तो अलेशिया बता सकते थे, बट फिर भी पूरा लिखा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ट्रेड वगैरह होते थे और 1/10 लिया जाता था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कितना चार्ज लेते थे, 1/10 उतार लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज गिलगामेश, गिलगामेश कौन थे, रूलर ऑफ मारी, नेम ऑफ रिवर इन मारी, गॉड ऑफ विंड, या रूलर ऑफ उरुक आफ्टर एनवर्कर। तो मैं आपको बता दूं जो हमारे गिलगामेश थे
माना जाता है कि ये जो हमारे एन मर्कर थे ना, ये जिनको सबसे पहला किंग माना जाता है, सबसे अर्लीस्ट किंग माना जाता है, जिनके हमें एविडेंस मिले, इनसे पुरानों के कोई एविडेंस नहीं मिले, तो उसके बाद का जो है वो गिलगमेश को माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, ओके, रूलर ऑफ उरुक आफ्टर एन मर्कर। इनमें तीन एरिया का नाम है ना चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा, उरुक, मारी और अपना उर। ठीक है, उरुक, मारी और उर, इन तीन एरिया के नाम आपको बहुत ज़्यादा चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे, इसमें इस चैप्टर में ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। मैं पता नहीं मेरे को ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, मेरे को कन्फर्म नहीं है, बट मेरे को नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा MCQ अभी तक, देखो हम कर चुके हैं 40 और भी बचे हुए हैं, तो इससे ज़्यादा MCQ आपको कहीं भी मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, इसका मेरे को डाउट है। मैंने हर जगह देख लिया, कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेरे को 40-50, मेरे को कहीं भी 30 से ज़्यादा MCQ मिले ही नहीं, फिर भी मैंने बुक से एक एक लाइन से आपके लिए MCQ बनाया। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो को लाइक करना, इससे मोटिवेशन भी मिलता है और एक तरह से आपका सपोर्ट भी मिलता है, लोगों तक रीच पहुंचने में मदद मिलती है। तो आप भी चाहते हो कि ये कंटेंट दूसरों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, एक ड्रीम था 1 लाख का, ठीक है, कभी सोचा नहीं था 60 सब्सक्राइबर का स्क्रीनशॉट पड़ा है, मेरे को लगा था 1000-2000 तक जाके छोड़ना पड़ेगा, बड़ा जितनी आगे आ गए हैं, तो उस 1 लाख को कंप्लीट कराने में आप अपना रोल ज़रूर निभाना यार, और अगर हो गए हो तो लिख देना सर हो गए आपके 1 लाख, अब क्या करोगे आप। ठीक है, तो चलो, ठीक है, तो गिलगमेश है ना बेसिकली एक किंग थे, जैसे मैंने बताया एन मर्कर के बारे में, उनकी भी एक कहानी है चैप्टर के अंदर लिखी हुई है कि उनका एक दोस्त मर गया था, फिर उसने छोड़ दिया, बट वो वापस लौटे, उन्होंने देखा यार आज भी मेरे लोग जो हैं वो मेरी याद में, जो जिस इमारत की नींव मैंने रखी थी, जिसका पहला पत्थर, जिस इमारत का पहला पत्थर मैंने रखा हुआ था, आज भी वो वैसे का वैसा ही है। तो एक कहानी उन्होंने एक बहुत बड़ी एपिक में लिखी थी, कितने टैबलेट में लिखी थी वो कहानी उन्होंने, 12 में 15 में 18 में 20 में, तो 12 टैबलेट में उन्होंने कहानी लिखी थी, या उन्होंने एपिक लिखा था, काव्य लिखा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, कि मैं आपको बता दूं कि साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं ना, ये हमने एक कंट्री से अडॉप्ट करी है, ठीक है, कंट्री की देन है, तो वो किसकी है, पाकिस्तान, इंडिया, मेसोपोटामिया या फ्रांस, तो इसका आंसर है जी मेसोपोटामियंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 44। डैश रिलीज्ड बेबीलोनिया फ्रॉम द आइसीरियन डोमिनेशन इन 625 BCE। 625 BCE के अंदर, उससे पहले के टाइम में हमारे आइसीरियन एक कबीला है, उसके लोगों का ही ज़्यादा डोमिनेशन होता था बेबीलोनिया में। उसके बाद है ना उसका डोमिनेशन ख़त्म कर दिया एक किंग ने, ठीक है, हमला करके जीत लिया, तो उस किंग का नाम क्या था, ठीक है, एचेमाइंस, हमारे नबोपोलासार, हमारे सारगन या अलेशिया तो हो नहीं सकता, वो तो साइप्रस का आइलैंड था, है ना। ठीक है, और इसका आंसर है, वैसे मैं बता दूँ, इसका आंसर है बी, नबोपोलासार। ये ना बहुत सारे किंगों के नाम है, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना दोस्त, ठीक है, बड़े सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मारी के, उसके उरुक के, तो उरुक के पहले किंग एन मर्कर थे, बाद में गिलगमेश थे, और हमने जब उसकी बात करी थी किसके, जो हम नाम मारी का था, तो मारी का माना जाता है कि सबसे पॉपुलर जो थे वो ज़िमरिलिम थे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलो, एक मतलब चैप्टर करने के बाद करोगे तो मज़ा आ जाएगा भाई, पक्की बात है, बट फिर भी आप अगर ये वीडियो 2 बार देख लोगे तो आपको चैप्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेरे से, अगर आपके MCQ आ रहे हैं तो इसी को देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड बेबीलोन, यानी बेबीलोनिया जो था हमारा, अलेक्जेंडर ने उसको कब कॉन्कर किया, अलेक्जेंडर ने भी हमला करके जीता था बेबीलोन को, कब, 225 BCE, 331 BCE, 221 BCE या 539 BCE। देखो ऊपर भी एक क्वेश्चन था 625 BCE, आप मेरे को ये बताओ 625 BCE पहले आया होगा या 331 BCE पहले आया होगा। ठीक है, और नीचे पूरा लिखना कि सर 625 BCE या 331 BCE कौन सा पहले आया, वो पूरा लिखना है, ऐसा नहीं कि लिख दोगे सर नहीं ये पहले आया, पूरा लिखना जिससे मेरे को पता चले, क्योंकि मेरे को ऐसे नहीं पता चलेगा ना कि किसकी बात कर रहे हो, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि सारे कमेंट एक साथ आते हैं हर वीडियोज़ के, तो छाटना थोड़ा दिक्कत देगा, तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ 11th वाले बच्चों ने मेरे को ये बात बताई है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट आइसीरियन किंग ऑफ बेबीलोन। तो माना जाता है कि सबसे जो लास्ट में हमारे आइसीरियन किंग जो हैं बेबीलोन के, वो ऐशुर बनीपाल को माना जाता है। ठीक है, बनीपाल कहते हैं उनको, ऐशुर बनीपाल ये हिंदी नाम नहीं है, ठीक है, मतलब ना हिंदी नाम है, ऐशुर बनीपाल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का कि बेबीलोन की कैपिटल थी ऐशुर बनीपाल के टाइम में। ठीक है, ये आइसीरियन किंग थे, लास्ट आइसीरियन किंग थे याद रखना। तो उनकी जो कैपिटल थी वो किसको कही जाती थी, डेगन को, हमारे निनीव को, ठीक है, और उसके बाद नेबो पुलासर, ये तो किंग का नाम है, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है, और नेबोनीडस, ठीक है, तो इसका आंसर है निनीव। ठीक है, निनीव है इसका आंसर, यानी इसका आंसर है बी। ठीक है, हाँ हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय ज़िगरुथ। ज़िगरुथ का मतलब क्या होता है, रॉड, ओल्ड टैबलेट, स्टेप टावर या नन ऑफ दी अबव। तो मैं आपको बता दूं कि ज़िगरुथ का मतलब होता है जी स्टेप टावर, वो सीढ़ियादार वो नहीं होते, वो टावर, उसको कहते हैं ज़िगरुथ। ये आ सकता है आपको, ये बता रखा था कि स्टेप टावर को हम ज़िगरुथ भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, याद रखना है, रुकना है आपको 50 क्वेश्चन खत्म होने के बाद, क्योंकि फिर हम बुक को भी एक बार देखेंगे, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट लगाऊंगा। डैश वॉज दी लास्ट रूलर ऑफ दी इंडिपेंडेंट बेबीलोन, और बेबीलोन के लास्ट इंडिपेंडेंट किंग का नाम माना जाता है कि वो जो थे वो हमारे नबोनिडस थे। ठीक है, लास्ट जो हमारे किंग माने जाते हैं इंडिपेंडेंट बेबीलोन के, ओके, मतलब किसी कबीले के नहीं माने जाते, लास्ट माने जाते हैं रूलर के, लास्ट रूलर थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हु वॉज द किंग ऑफ अक्कद इन 2370 BCE। तो माना जाता है कि हमारे जो किंग ऑफ अक्कद थे, ठीक है, वो हमारे नबोनिडस ही थे। ठीक है, किंग ऑफ अक्कद जो थे वो नबोनिडस ही थे। ये अक्कद है ना, एक पता ही आपको, एक कबीला है, तो इस ये हमारे अक्कद कबीले के जो किंग थे वो नबोनिडस थे। ठीक है, इस टाइम में 2370 में, ओके, चलो जी, और ये लास्ट रूलर भी माने जाते हैं बेबीलोन के। चलो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, अब एक बार बुक देख लेते हैं कि बुक में क्या है क्या नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले तो ये जो मैंने क्लियर करा दिया आपको, ठीक है, चलो, और ये मैंने कहानी भी सुनाई थी आपको, है ना, अलग अलग लैंग्वेज वगैरह बोली जाती थी, ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये पूरी कहानी लिखी हुई है नोआ के बारे में, यहाँ पर इस टैपी के बारे में आपको एक MCQ मिल जाएगा। ठीक है, और माना जाता है कि एग्रीकल्चर भी सबसे पहले हमारे साउथ रीजन में हुई थी। ठीक है, 7000 से 6000 BCE में, 7000 पहले आता है BCE के, उसमें 7000, देखो जीरो है, मान लो जीरो लिखा हुआ है, तो जीरो से आप पीछे जाओगे, जैसे आप बनाते ना मैथ्स में बनाते थे क्लास टेंथ में, जीरो, फिर जीरो से पहले -1 -2 -3, तो ये एक तरह से माइनस ही है, तो ये 7000, अब माइनस तो नहीं लिखते ना, टाइम कभी माइनस में नहीं होता, तो इसलिए इसको 7000 BCE लिखते हैं, फिर 6000 BCE, फिर 5000 4000 3000 2000 1000, फिर जीरो आता है, फिर 1 year 2 year 3 year 5 year, फिर 2000 2021, ऐसे समझ रहे हो, तो इसलिए 7000 BCE में से लेकर 6000 BCE तक एग्रीकल्चर के हमें आप सोर्स मिलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी थी, ओके, यूफ्रेटस रिवर के बारे में बताया था, है ना, कि एग्रीकल्चर इसी की वजह से हुआ था, स्टोन एज के बारे में बताया था, इसका तो पूरा क्वेश्चन दिया था, है ना, बुक की एक एक लाइन में लिखी है, वार का हेड वगैरह। ठीक है, और मैंने बताया था ट्रेड होता था, तो हमारे उसमें ज़्यादातर चीज़ें नहीं मिलती थी हमारे मेसोपोटामिया में, तो ट्रेड होता था अलग अलग कंट्रियों से, है ना। यहाँ पर मैंने क्यूनिफॉर्म के बारे में बताया था, और 3200 BCE के अंदर हमें फर्स्ट टैबलेट मिली थी मेसोपोटामिया में, ये भी बताया था मैंने। ठीक है, क्यूनिफॉर्म के बारे में बताया था मैंने कि एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा वो माना जाता था उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा लिखते थे, मतलब लिखने का काम करते थे, और उनका नंबर बहुत ही कम था, ये पहली लाइन ही लिखी है, वेरी फ्यू मेसोपोटामियम कुड रीड एंड राइट। ठीक है, एक एक लाइन से MCQ, मतलब जहाँ से मेरे को MCQ बन सकता था ना, और ये पूरी एन मकर की वो जो कहानी है ना, ठीक है, पूरी की पूरी वही लिखी हुई है मैंने, और ये वही 5000, और ये यहाँ पर वो जो किंग का नाम लिखा होगा, ठीक है, गॉड ऑफ उर, गॉड ऑफ मून को उर कहा जाता था, और इन्नन्ना को गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ ये इतना इम्पोर्टेंट, ये रहा, मतलब इम्पोर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, मैंने सारे इंक्लूड किया है, सच बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये टैबलेट के बारे में बता दिया था, सील वगैरह के बारे में पूरा का पूरा मैंने, ठीक है, और ये भी पूरा का पूरा बताया था मैंने, ओके।
ओके 1930s में मैंने बताया था ना, एक एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हमारे उर में, ऑर्डिनरी टर्म्स के अंदर, है ना। और ये पूरा का पूरा, ये वही वाला है जो मैंने 2000 BC का वाला पूरा पैराग्राफ वो कॉपी कर रखा था, जो पैराग्राफ से दे रखे थे ना क्वेश्चन, वो इसी से था। ओके चलो, ये रहा जी, ठीक है, जिमरेलिम, ठीक है, जिसका ये बनाया गया था, 260 रूम्स थे। ओके चलो, और ये जो हमारे जो बाद में जो बड़े बड़े किंग के नाम थे ना, जो टफ टफ नाम थे, वो आपके ऐसे बॉक्सेस में मिलेंगे, वो मैं अभी बताऊंगा। ये सिटीज़ और कल्चर के बारे में दे रखा है, और यही मैंने बताया था ना कि 12 महीने होते हैं, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 24 घंटे और 1 घंटे में मिनट होते हैं। और ये जो बड़े बड़े जो हमारे नोवोपोलासर थे, है ना, इन किंगों के नाम इन दो बॉक्सेस में लिखे हुए हैं। तो मतलब सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर कराई, ये भी आप एक बार टाइमलाइन चाहो तो याद रख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एमसीक्यू में सारा कवर करवा ही दिया है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, नहीं तो आप मेरे से गुस्सा करोगे कि सर आपने हमें ब्लॉक कर दिया, आप वीडियो डालते हो पता नहीं चलता। और बाकी जो भी चैनल दे रखे हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज जो हैं सब्सक्राइबर की बात करूँ तो 87.200 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, मतलब 87,200 सब्सक्राइबर है। आई होप ये और ज़्यादा बड़े नंबर, ठीक है, कभी 1 लाख भी होंगे। कुछ बच्चे अगर 1 लाख के बाद देख रहे हैं तो इनको भी बात थोड़ी अजीब सी लगी कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत अलग फीलिंग है, 1 लाख के बाद बहुत अलग फीलिंग होगी, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, जितना भी आपने सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, अभी तक अगर आप रुके हो तो मैं एक वेबसाइट बना चुका हूँ, मतलब आप सीधा, मैं आपको बताता हूँ, गूगल पे सर्च करना मेन पॉइंट स्टडी, गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पर सर्च करना मेन पॉइंट स्टडी, एंटर मारना। एक तो यूट्यूब तो आएगा ही आएगा मेरा, ठीक है, उसके नीचे है ना आपको एक वेबसाइट भी मिलेगी mainpointstudy.in करके, उस पर जाना, क्लास 11 करना आर्ट्स, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे और चैप्टर के MCQ भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो अगर आपके सामने क्वेश्चन होगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, और नीचे आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।